अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेजबान हकीम काजी हाजिर ने खिदमत है आज एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पीआरपी और हिजामा के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अभी हम बात करते हैं पीआरपी के बारे में। तो पीआरपी क्या है? पीआरपी ये एक ट्रीटमेंट है जिसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। पीआरपी काम कैसे करती है? तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए पीआरपी को तैयार किया जाता है। पीआरपी को तैयार करने का तरीका क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले पीआरपी तैयार करने से पहले आपके बॉडी से, आपके जिस्म से थोड़ा सा खून, थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है। फिर उस ब्लड को मशीन में डालकर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, मतलब गोल घुमाया जाता है। फिर उससे प्लाज्मा को निकाला जाता है। पीआरपी करने से पहले आपके स्कैल्प को स्प्रिट से क्लीन किया जाता है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। फिर स्कैल्प को सुन किया जाता है, मतलब एक लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है ताकि पीआरपी करते वक्त आपके स्कैल्प में दर्द पेन ना हो और पूरे स्कैल्प में सही तरीके से प्लाज्मा को पीआरपी के जरिए से इंजेक्ट किया जा सके। फिर उस प्लाज्मा को आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है, मतलब कि माइक्रो इंजेक्शन के जरिए से आपके स्कैल्प में डाला जाता है। तो दोस्तों ये है पीआरपी का तरीका। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पीआरपी से फायदा क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना है, आपको अगर हेयर फॉल है, बाल आपके झड़ रहे हैं, रूट्स अगर कमजोर हो गए हैं, बालों में कमजोरी है, बाल रोज टूटते रहते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया है, तो पीआरपी काम करेगा। अगर आपको बॉर्डलेस है, मतलब आपके सर पे एक भी बाल नहीं है, तो कोई ट्रीटमेंट करके कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए एक ही ऑप्शन है, ट्रांसप्लांट। ठीक है, तभी हम जानेंगे पीआरपी किस चीज में और बेनिफिशियल है। तो पीआरपी से क्या होता है कि पीआरपी से जो प्लाज्मा निकलता है, इस प्लाज्मे को आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है, मतलब आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता है। अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उस जगह पे न्यूट्रिएंट्स को भरपूर किया जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जाता है। तो ये एक पीआरपी का तरीका है। हम बात करेंगे हिजामा के बारे में। हिजामा क्या काम करता है? तो दोस्तों हिजामा तो सबसे पहले ये सुन्नत रसूल है, हदीस शरीफ में आपको काफी बार बता चुका हूँ, इन्ना अमसला मा तदावई तुम भील हिजामा। हुजूर ने कहा कि सबसे बेहतरीन इलाज जो है ये हिजामा लगवाना है। और अल्लाह ताला ने शिफा की जितनी चीजें दुनिया में भेजी है, जैसे शहद में शिफा है, कलौंजी में शिफा है, बहुत चीजों में शिफा है, तो सबसे पहले अव्वल नंबर कहा गया है कि हिजामा में सबसे ज्यादा फायदा है। तो हिजामा क्या होता है? स्कैल्प में, जैसे आपके स्कैल्प में टॉक्सिटी है, तो उस टॉक्सिटी को निकाला जाता है, डिटॉक्स किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है आपके स्कैल्प को। डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद आपके स्कैल्प में, आपके सर में नॉर्मली नेचुरली आपके बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स है वो सप्लाई होता है, ऑक्सीजन आपके बॉडी से मिलना शुरू हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है वो नॉर्मली पहुंचना शुरू हो जाता है। तो ये हम हिजामा के जरिए करते हैं। पीआरपी में क्या है कि सिर्फ प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन हम हिजामा के जरिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, उसके बाद नॉर्मली जो है, डिटॉक्सिफाई होने के बाद ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है, बालों में ग्रोथ अच्छी आती है, बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो परमानेंट सोल्यूशन देखिए, ना पीआरपी है ना हिजामा है, कोई भी सोल्यूशन परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? आपके हेल्थ को सही रखना है। बाल झड़ते क्यों है, सबसे पहले ये आपको समझना है। बाल झड़ने का जो मेन रीजन है, जहां तक कि रिसर्च किया है कि ये डीएसटी की वजह से ज्यादा झड़ता है। फिर उसके बाद हो गया कि आपकी डाइट प्लान सही नहीं है, आप नींद सही नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो बहुत सारी अदरवाइज रीजन है, लेकिन मेन जो रीजन है डीएसटी। इसको कम करने के लिए बहुत लोग फिनेस्टराइड लेते हैं, उसकी अलग प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ लोग मिनोक्सिडिल लेते हैं, तो भी एक ट्रीटमेंट है। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट है, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर जो ट्रीटमेंट है मेरे ख्याल से, ये हिजामा है। हिजामा से क्या होता है, डिटॉक्सिफाई भी हो जाता है और आपके स्कैल्प में नेचुरली एक ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अब आपके बालों को हेल्थी कैसे रखना है,
तो देखो दोस्तों, आप अगर आपके हेल्थ को, आपके बॉडी को आप अगर नेचुरल तरीके से आप अगर सही रख सकते हैं तो आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। और अगर आपका डाइट प्लान सही नहीं है तो आपको हिजामा के जरिए आप इस चीज को सही रख सकते हैं। आपके बॉडी पे हिजामा लगवा के आप डीएसटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो डीएसटी लेवल बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा। आप अगर बॉडी पे हिजामा कराते हैं तो आपका जो डीएसटी लेवल जो बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, दोनों चीजें हमने आपके सामने में रखी है। अब आपको डिसाइड करना है कि पीआरपी बेहतर है या हिजामा बेहतर है या फिनेस्ट्राइड बेहतर है या मिनेस्ट्रल बेहतर है, आपको क्या बेहतर है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। आपके लिए फायदा क्या है, मैंने तो सारी चीजें बताई आप, ठीक है। हिजामा का कॉस्ट क्या है और पीआरपी का कॉस्ट क्या है। पीआरपी का कॉस्ट जहां तक है कि एक सेशन में 2,000 से 3,000, 4,000, 5,000 तक होता है। यहां हम आते हैं हिजामा। हमारे यहां पे हिजामा जो है एक सेशन का मिनिमम 1,000 रुपए तक हो जाता है। तो बेहतर यह है ये आपको कम खर्चे में आप ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं जहां के पीआरपी 3,000 तक लगता है। तो दोस्तों, सारी चीजें हमने रख दी है आपके सामने में। तो दोस्तों, आप इस चीज को सेलेक्ट करें और किस चीज से क्या फायदा है वो आप खुद सोचें और वो ट्रीटमेंट लें। तो दोस्तों, दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।